हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स का है, वो है आपका सेल का विद्युत वाहक बल। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सेल के विद्युत वाहक बल की जो डेफिनेशन है और वो क्या होता है, कैसा होता है, तो आज हम पूरा टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है एकांक आवेश। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब पहली बात कर लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल होता है एक सेल क्या होता है, जैसे एवरेडी का सेल हो गया जो रिमोट में पड़ता है, तो क्या होता है, सेल एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो अपने अंदर क्या होती है, ऊर्जा को अपने अंदर मतलब कि एक ऊर्जा जो होती है, स्टोरेज क्षमता, ऊर्जा को अपने अंदर समेट के रखती है। तो जब हम उसको किसी डिवाइस पे लगाएंगे, तो यही बोल रहा है, जब इस सेल को किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल जितनी ऊर्जा उसको देता है, तो भाई टीवी चालू करने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय हो रही रिमोट से, वही क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो चलिए इसको फिगर से और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। तो ये इसका फिगर है, जिस आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हम दो सेल ले रहे हैं, जो एक कैथोड होता है आपका, एक एनोड होता है। इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें, किसी वैद्युत परिपथ से जोड़ दें, तो सेल पर प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं। इसको अगर जोड़ दें तो हमें इसको इस परिपथ को चलाने में, मान लीजिए ये कोई परिपथ है, इसको चलाने में जितनी ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है, वही क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो सेल को हम किससे डिनोट करते हैं, सेल को डिनोट करते हैं आपके ई से। अब भाई कार्य क्या होता है, कार्य होता है डब्ल्यू, और आवेश क्या होता है, जितना आवेश, किसी बात हो रही, एकांक आवेश। तो चलिए देख लेते हैं इसकी इसका जो इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे वो कैसा होगा। के लिए हमने क्या किया है, एक परिपथ लिया है जिसमें हमने क्या किया है, सेल ई लगाया है, और आवेश जिसको आवेश क्यू है, और बहने वाली धारा क्या है आपकी आई है, जिसमें पूरे परिपथ में हमें जो कार्य करना पड़ता है, सेल द्वारा जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, वो क्या है आपकी W। तो हम मान लेते हैं कि माना परिपथ में आवेश Q को, मतलब इस परिपथ को चालू रखने में कितना W का जूल कार्य को किससे डिनोट करते हैं, जूल से डिनोट करते हैं, कार्य करना पड़ता है। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल E इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहाँ E क्या है, E आपका सेल है, W आपका कार्य है, कार्य हो गया जितनी ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ रही है, Q क्या हो गया आपका आवेश हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब चलिए इससे मात्रक निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि W का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम के नियम में आपने देखा था। तो जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। इसको क्या लिख सकते हैं, हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो चलिए फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा खर्च करने पर जितनी ऊर्जा सेल को देनी पड़ती है, वही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन, इसका फिगर और ये जो इसका फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे।